आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और खबर ये आ रही है पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल से कि एक आईईडी ब्लास्ट के अंदर एक आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं और लगभग 6 के करीब जो जवान हैं वो घायल हुए हैं। ये आईईडी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ के इलाके में ब्लास्ट हुई है। अभी तक जो है आर्मी की तरफ से तो पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन सोर्सेज द्वारा ये पूरी तरह से कंफर्म खबर आ रही है कि एक जवान जो है इसमें शहीद हो गए हैं और 7 जवान जो है इसके अंदर घायल हुए हैं। ये खबर लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ से आ रही है जहाँ पर एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है अभी कुछ देर पहले, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एक आईडी जो है बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल मेंडर इलाके में था पुंछ के, जहां पर शायद जो मद्रास रेजिमेंट के जवान जो है वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिस पेट्रोलिंग करते हुए वहां पर जो है एक आईडी ब्लास्ट हो गया। अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार ये आईडी की लोकेशन क्या थी, लेकिन ये है कि मेंडर इलाका जो पुंछ का है फॉरवर्ड एरिया, वहाँ पर ये आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर एक जवान जो है शहीद हो गए हैं और 7 के करीब लोग घायल हैं, जवान हमारे आर्मी के, जिनको अभी फ़िलहाल उधमपुर में एयरलिफ्ट किया गया है। और ये अब तक की जो खबर है ये पुंछ इलाके से आ रही है, एक दुखद समाचार है जिसके लिए हम दुआ करेंगे कि जो 7 के जवान हमारे जो 7 जवान जो घायल हैं वो जल्द से जल्द उनकी रिकवरी हो, जल्द से जल्द वो ठीक हों। लेकिन इसी बीच में एक हमारे जवान जो हैं शहीद हो गए हैं, उनको हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ इलाका है जहाँ पर ये पूरी खबर सामने आई है, जिसके अंदर एक जो है जवान शहीद हुए हैं और 7 जवान जो हैं जिसके अंदर अभी तक जो खबर आ रहे हैं घायल हैं। ये अब तक की दुखद समाचार है जो कि फॉरवर्ड एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल मेंडर पुंछ का है जहां से ये खबर आ रही है। अभी फ़िलहाल आर्मी की तरफ से तो पुष्टि नहीं की गई है। इस खबर के ऊपर और जो भी अपडेट रहेंगे हम आपके साथ साझा करेंगे। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया।